हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और सबसे पहले सितारा की ज़िंदगी नाम से एक कमेंट आ रहा है जो क्रंचेस को डिफेंड कर रही हैं, जस्टिफाई कर रही हैं उनका खाना कि भाई वो पैसों के लिए कर रहे हैं, उनके यहाँ कोई नहीं है, वो अकेले हैं अपने घर को पालने पोसने के लिए। कितनी सारी ऐसी औरतें हैं जो अपने घर को अकेले देख रही हैं और वो इन लोग को देख के खाना सीखेंगी, फिर उनका तो हेल्थ गया, उनके बच्चों को क्या सितारा की ज़िंदगी तुम देखने जाओगी क्या, या तुम्हारी सो कॉल्ड क्रंचर देखने जाएगी? वो तो हाथ खड़ा कर देगी और बोलेंगे हमने थोड़ी ना किसी को बुलाया था, लोग अपने आप आए हैं, हम तो लोगों को सेटिस्फाई कर रहे हैं और हमने तो बोला है खाओ मत, है ना। मतलब वो है पिज़्ज़ा का बाइट दे दो, लो पिज़्ज़ा खाओ और पकड़ लो कि मत खाओ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और आप लोग अपने अपने घर का काम करिए, क्रंचर्स को डिफेंड मत करिए क्योंकि गलत है। अच्छा, एक चीज़ बार बार बोला जा रहा है कि मुझे टारगेट किया गया, बेबो चली गई, आई लव क्रंच के 2 चैनल 3 चैनल कितने थे वो चले गए, एक क्रोम क्रंच कुछ था वो चले गए, मेडूसा एंड एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स डीमोनेटाइज हो गए, हाँ तो फिर आप कैसे अपने ऊपर अकेले कर रहे हो, है ना। और हाँ भाई, तुम लोगों से मैं बोलूँगी, इंस्टाग्राम पे आके मुझे प्लीज़ मत बोलो मैडम ढक्कन का वीडियो देख लो, ढक्कन ने क्या बोला, ढक्कन का बड़ा ढक्कन और छोटा ढक्कन दोनों को जो होना था हो चुका है और इस सब चक्कर में दूसरे क्रंचर्स बाजी माल ले जा रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है जो ये भाग रहे हैं ना रेस में आगे और जो सबसे ज़्यादा गंद मचा रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए, इनको करने दीजिए, इनका इस वक्त थोड़ा सा ना ये ठीक नहीं है। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट बैंगन का कर लिया, लौकी का कर लिया, चॉकलेट का कर लिया, सारे एक्सपेरिमेंट के बाद अब इन्होंने सारा करके कंक्लूजन निकाला है कि मुझे सेलर से प्रॉब्लम है, हमारी अवेयरनेस टीम को इनके सेलर से प्रॉब्लम है तो अब वो उस सेलर से नहीं परचेस करेंगे आप किससे परचेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो हमें नहीं मालूम, है ना। खैर, आप अपने एक्सपेरिमेंट जारी रखिए, आपको जो सही लगता है आप करिए। और बाकी लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ दूसरे चैनल पे कॉन्सेंट्रेट करो, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल हैं जो आगे बढ़ रहे हैं उनको देखना है, वो लोग भी इक्वली ज़िम्मेदार है YT पे गंद मचाने के लिए, वो लोग उतना ही गंदगी मचा रहे हैं YT पे, ठीक है। सो जो भी है सो कॉल्ड इनको, जो भी इनका चैनल है, इनके चैनल के साथ अब इनको छोड़ दिया जाए और आप लोग अपना दूसरे पे कॉन्सेंट्रेट करो। अब यहाँ पे बात करेंगे हमारी नीट क्वालिफायर क्रंचर पे, गफूर व्लॉग पे बात करेंगे। कौन? गफूर व्लॉग ने 1 साल पहले YT पे रोना धोना मचाया था, हाय मुझे पथरी हो गई, मैं नहीं खाऊंगी, मैं सारा स्टॉक फेंक दूंगी और ये और वो, बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते, इतना गफूर भाई ने फेंका, मेरे भी आंसू आ गए थे, मैं भी रोई थी उस वीडियो को देख के, ठीक है। फिर थोड़े दिन के बाद मैंने देखा उन्होंने अपना सारा स्टॉक का नुमाइश लगाया, ये देखो बाप रे, वो स्टॉक देख के मेरे होश उड़ गए थे। ये ही वो हैं जो चिकन बना रही हैं उसी का, एग करी बना रही हैं, तो बिरयानी बना रही हैं, सारे स्लेट आइटम्स का। चलो, कुछ लोग अनपढ़ हैं, कुछ लोग अकेले हैं, ये तो पढ़ी लिखी है, नीट क्वालिफाई, इनके वीडियो में सुना मैंने, नीट क्वालिफाई करके बैठी हैं तो भी कचरा खाना है भाई। फिटनेस का बड़ा ध्यान ले रही हैं, एक डाइट का ले रहा था, एक फिटनेस का,
और दूसरों को चूना लगा रहे मट्टी खा खा के। पहले तो कुकिंग व्लॉग दिखाएंगे, बढ़िया हम ओट्स का चीला खाते हैं, बड़ा हेल्दी बादाम का हलवा, फलाना धमाका। लास्ट में खाते टट्टी है, टट्टी खाते रहते लास्ट में। और उस पर किसी ने इनको कमेंट किया, सानिया कुरैशी ने आई थिंक, उन्होंने कमेंट इनको किया कि पैम आपको बात करेंगी जो भी कुछ है। तो कहती हैं थैंक यू फॉर योर कंसर्न। मुझे तो मुझे स्क्रीनशॉट एक्चुअली आया था, मेरा तो गफूर शॉर्ट्स नाम से है, वो तो ऑलरेडी येलो डॉलर आते हैं और मुझे कोई डर नहीं है उड़ने का। रियली? तो फ्रेंड्स इनको उड़ने का कोई डर नहीं है तो मेरा कहना है तो फिर इनको उड़ा दो या जाए, है ना। इनको सबसे गंदी मछली इनको भी माना जाएगा, ये पुरानी मछली है जो गंदगी फैलाती जा रही है। इसको भगवान ने एक बार सुधरने का मौका दिया, बीमार हो गई, एक बार इसको अच्छा काम करने का मौका दिया, लेकिन नहीं, जब इसने देखा कि अरे पैसे नहीं बन रहे हैं तो इसने वापस से यही चालू कर दिया खाना। इजी मनी, इजी अर्निंग, है ना, अच्छे से। मैं भी जैसे कि अभी ज्ञान बांट रही हूँ और फिर पता चला मैं भी कल खा लूँ। और हाँ, कोई एक चुगलखोर ने पूरे वाइटी में फैला रखा है कि मैं नाकोमट खाती हूँ, तो भाई तुम्हारे सो कॉल्ड बोलने से कोई मैं नाकोमट खाना नहीं बोल सकती। अगर मैं नाकोमट खा रही हूँ तो मैं कहीं ना कहीं किसी सेलर से खरीद रही होंगी ना, तो मैं चैलेंज करती हूँ वो ढूंढ के लाओ, दिखाओ कि मैं खरीद रही हूँ। हवा हवा ही बातें मत किया करो। तो गफूर जी को मैं बोलूँगी अभी से 25, 26, 23 जितने भी सब्सक्राइबर हैं उसको बचा लिया जाए, मट्टी खाना बंद कर दिया जाए। हमको आपके चैनल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना चैनल चलाइए, व्लॉग बनाइए, कुकिंग बनाइए, जॉगिंग का बनाइए, एक्सरसाइज का बनाइए, जो बनाना है सो बनाइए, मट्टी का नहीं, क्योंकि मट्टी खा के सब बिगड़ते हैं। ऐसे ही एक मट्टी का चैनल देख के मैंने ये जर्नी जो मैंने शादी के बाद छोड़ दी थी ये मैंने वापस से स्टार्ट की और मेरी हालत ख़राब है अभी, और पता नहीं कब तक रहेगी। और ये क्योर भी नहीं होगा जो भी मुझे प्रॉब्लम है, जो डिजीज़ है। तुम तो पथरी हो गई, पथरी निकलवा दिया, बच गई, लेकिन हर कोई इंसान इतना लकी नहीं होता। किसी का किडनी जा सकता है, किसी का लीवर ख़राब हो सकता है, किसी को कुछ भी हो सकता है। मेरे केस में मेरा सारा इंटरनल ऑर्गन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो मैं बार बार यही कहूँगी। अच्छा, एक कमेंट पढ़ा कि पैम अपनी फेवरेट सेलर को बचाना चाहती हैं, है ना, ढक्कन के कमेंट में। तो ज़रा सा क्लियरिफाई करो, मेरा फेवरेट सेलर कौन है, वो है ना, सेलर कौन है मेरा, मुझे भी बता दो। बहुत सारी चीज़ें तो मुझे पता ही नहीं होती भाई, हो क्या रहा है। सामने वाला बंदा अपने मन से एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो एक्सपेरिमेंट सारा फ्लॉप होता है। और एक लास्ट बात मैं आज और बोल दूँ, अगर अब ढक्कन का बड़ी और छोटी का कोई भी चैनल उड़ेगा मेरी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गलत चीज़ है, गलत है, वो बचे नहीं सकता। इसीलिए मेरा यही बोलना है कि आप जानो, आपका काम जाने, है ना। और मैं आप लोगों से भी, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया है, उनको भी यही बोलूँगी, दूसरों पे ध्यान दीजिए। इन सब लफड़ों में दूसरे बाजी मार रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और कल मैंने पोल डाला था, उस पोल में सबसे ज़्यादा गफूर भाई को, दूसरा हमारा रसगुल्ला को वोट आया है। रसगुल्ला पे भी बात होगी, तो दोनों पे बात होगी, दोनों एक साथ बात करेंगे। रसगुल्ला ने बहुत सारा रस फैला दिया है, बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट हो रही है। अब तो क्या है ना, हाथ धोने का समय आ गया है, तो रसगुल्ला 2-4 पता नहीं कितने कितने चैनल बना बना के अपनी जो गंदगी फैलाती जा रही हैं, सो कॉल्ड गंदगी,
पढ़ी लिखी हैं दोनों की दोनों, चाहे तो जाए पढ़ा अपना थे। अब ये मत बोलना भाई कि जॉब नहीं मिलती है, ये रोना मत रोना प्लीज़। जाइए जॉब ढूंढिए, कुछ नहीं तो किसी स्कूल में जॉब कर लीजिए। चलो कल और वीडियो बनाऊंगी, बाय बाय, टेक केयर। बस कुछ दिन आती रहूंगी, संडे को लाइव है मेरा। संडे को जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है वो आए मेरे साथ लाइव में डिस्कस करे, बातें करे। हेटर्स एंड सपोर्टर्स, फेक आईडीज भी इनवाइटेड हैं, तो सब लोग आ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।